तो गाइस हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल बनके हो चुकी है रेडी, देख सकते हो। तो दोस्तों पिंकी जी ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस और चिकन मसाला। तो फ्राइड राइस के लिए हमने ले लिया है लाल शिमला मिर्च और हरा शिमला मिर्च, इसके देख सकते हो मैंने लंबे आकार में कट करके रखा है। और लिया है बीन्स, तो बीन्स को भी हमने छोटा कट करके रखा है। और गाजर, गाजर को बारीक लंबा कट करके रखा है। और मटर और गोभी ले लिया है गाइस, तो यही सब लिया है। और सूखा मसाला में क्या क्या लिया है, काजू लिया है और लिया है किशमिश और लिया है तेज़पत्ता, दालचीनी, 4-5 इलायची, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च खड़ा मसाला है वो। और चिकन के लिए ले लिया है आलू, आलू के बिना चिकन हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आलू हमने ले लिया है, आलू को हमने दो भाग में कट करके रखा हुआ है। और लिया है प्याज, तो प्याज को भी हमने अच्छे से बारीक कट करके रखा हुआ है, देख सकते हो स्लाइस कर लिया है। और टमाटर को भी टुकड़ों टुकड़ों में कट करके रखा है, देख सकते हो एक टमाटर को 4 टुकड़ा किया हुआ है। और यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, चिकन को मैंने बिल्कुल अच्छे से धो के फिर मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इन सभी चिकन को मसाला लगा के मैरिनेट कर लेंगे। तो दोस्तों चिकन के लिए हमने क्या क्या मसाला लिया दिखाती हूँ आपको। मैंने लिया है 5 लाल सूखा मिर्च और अदरक लिया है और लिया है लहसुन तो और जीरा, इन सभी को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और फ्राइड राइस के लिए हमने बासमती राइस लिया है, तो बासमती राइस को भी मैं पका रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए अभी चिकन के लिए चिकन के आलू फ्राई कर लेते हैं। आलू ऐसे फ्राई करके चिकन, ऐसा आलू के साथ चिकन खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस, बहुत ही अच्छी चिकन बन के रेडी होती है। तो चिकन का मसाला भी हमारी रेडी हो चुकी है, देखो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और चिकन के लिए हमने जो सूखा मसाला लिया है वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल सूखा मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस के जितने भी सब्जी है उन सभी को फ्राई। तो दोस्तों देख सकते हो एक एक करके सारे सब्जी हमने फ्राई कर ली है, देखो शिमला मिर्च, गाजर, बटाना, सब कुछ। तो अभी यहाँ पे ना चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो पहला हम प्याज को डालेंगे। और चिकन गाइस मैरिनेट करके रखने से ना इसका जो सॉफ्टनेस है ना बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और इसमें मसाला भी बहुत अच्छे से लग पाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है गाइस। तो मसाला हमने जो पेस्ट करके रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया और साथ ही में हमने यहाँ पर दही भी डाल दिया, 2-4 बड़े चम्मच की दही और जितने भी लाल सूखे मसाले थे हमारे सूखे मसाले भी। और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार डालें आप, जितना आपको चाहिए उतना नमक डालें आप। और अभी डालेंगे इसमें तेल, तो इसमें तेल भी गया, 1 चम्मच तेल डाल दिया गाइस इसमें। तो अभी इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी मैं अपने हाथों से, इसको अच्छे से मसल मसल के फिर अच्छे से इसको, फिर हम इसको ना आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए रखने से क्या होगा ना गाइस, इसके अंदर अच्छे से मसाला जा पाएगा और इतना ही सॉफ्ट और इतना ही स्वादिष्ट बनेगी चिकन। तो घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें, ऐसे ही फ्राइड राइस बनाए और चिकन बनाए और बच्चों के साथ परिवार के साथ मज़े से। और मेरी रेसिपी को देखें और मेरे चैनल को, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो अभी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो फिर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, यही मेरी उम्मीद है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो, जैसे कि देख सकते हो सब्जी सारी फ्राई हो चुकी है। आज की वीडियो थोड़ी सी होने वाली है बड़ी। तो दोस्तों कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और प्याज को भी लाल लाल कर लिया है और तेज पत्ता भी डाल दिया। तो अभी चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो भी हमने डाल दिया है। तो अच्छे से जब तक इसका तेल ना सेपरेट हो जाए तब तक इसको पका लेंगे चिकन को, जब तक इसका तेल ना छूटे तब तक इसको पका लेना है आपने भी। तो इतनी खुशबू आ रही है ना क्या ही बताऊँ मैं आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है चिकन से, मतलब मेरा तो मुँह में ही पानी आ गई है चिकन देख कर, क्या बताओ आप सभी को गाइस। अभी हमारी चिकन देख सकते हो थोड़ा सा बाहर तेल ऑयल आने शुरू हो गई है,
अभी तक पूरी तरीके से ये पका नहीं है। गाइस चिकन हमारी बन चुकी है, तो अभी हमने डाल दी 2 हरी मिर्च और गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया डाल के फिर चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। गरम मसाला भी हमने दिया, दालचीनी, इलायची, लौंग, गरम मसाला सूखा और एवरेस्ट का चिकन मसाला भी इसमें डाला हुआ है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए देख सकते हो फ्राइड राइस के लिए हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इलायची, लौंग, काली मिर्च सब है और तेजपत्ता, ये गया खड़ा मसाला तेल में। अभी हमारी ये सब फ्राई हो रही है, देखो गाइस देख सकते हो काजू बादाम किशमिश सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं जो हमारी फ्राई किया हुआ सब्जी है, सारे ग्रीन सब्जी सब डाल दिया हमने। तो अभी इसमें जाएगा राइस, देख सकते हो तो ये हमारी बन रही है फ्राइड राइस। तो गाइस हमारी फ्राइड राइस बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी इसमें जाएगा नमक। तो मेरे एक व्यूअर्स ने बोला था फ्राइड राइस बना के दिखाओ, तो फ्राइड राइस इसके लिए हमने स्पेशली रिक्वेस्ट पे बनाया है। तो दोस्तों अभी हमने इसी स्टेज पे इसमें नमक डाल दिया है और हमारी फ्राइड राइस बन के बिल्कुल हो चुकी है रेडी। तो ऊपर से थोड़ा चीनी भी हम इसमें डाल देंगे और अगर आपको नहीं चाहिए चीनी तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, चीनी आप ना डालें। तो चीनी डालने से थोड़ा सा इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो चलिए हमारी फ्राइड राइस हो चुकी है रेडी और थाली हमारी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमने कचुम्बर भी बनाया है, तो उसमें हमने काकड़ी, प्याज, हरी मिर्च और दही मिक्स किया है और यहाँ पे है हमारी फ्राइड राइस जो कि हमारी आज की स्पेशल थाली है। तो वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।